एवरीवन, होप यू आर ऑल वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिलहाल सुबह का टाइम है, अभी अभी हम उठे हैं। रुबिन आप क्या ले रहे हैं? ये है कनिका। नमस्ते। हाँ जी पूछिए। सुनो, ये कढ़ाई आप यूज नहीं करते हो, लेकर कितने आए? नहीं बेटा, मैं यूज करती हूँ। आपको किसने बोला? ये नॉन स्टिक होती है, इसको तब यूज करते हैं जब हम कुछ बाद में बताऊंगी। क्या और ये है लड्डू। लड्डू मम्मी नमस्ते। मम्मा अभी बता। अरे नमस्ते कर दो, लड्डू के फेस पे लगाए बिस्किट। हाँ जी अभी बता दो। नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मम्मा आप समझ रहे हैं, ये है। इसको मुझे लिए हुए कम से कम एक साल हो गया है और ये ऐसे ही रखे रहते हैं क्योंकि मुझे लगाने का मौका नहीं मिलता। जब कहीं बाहर जाती हूँ तभी मेकअप करती हूँ तो लगा लेती हूँ, नहीं तो ये है ना, ये इनका फेस देख रहे हैं आप, बिस्किट लगाए तो नहीं लगा पाती, तैयार नहीं हो पाती। और सुबह से पता है जब से उठी हूँ बाल नहीं भाए हैं। अभी जाऊंगी, नहाना धोना होगा। नमस्ते। एक बार की नमस्ते काफी होती है। लो इसको ले जाओ, आप इसको ड्रेसिंग टेबल में रख दो। ड्रेसिंग टेबल तो खाली है। खाली है? हाँ, पूरा खाली। अच्छा खाली है। लड्डू ने सारा सामान खो रखा है। कोई बात। लड्डू अब परफ्यूम ले आई। मुझसे ज्यादा लड्डू को इन चीजों की नॉलेज है, कौन सी चीज क्या है, कैसे यूज करनी है, लेके बैठ जाती है बस। और लैंग्वेज तो उसकी समझ नहीं आती, बोल तो वो अपनी तरफ से पूरा देती है बट समझ नहीं आती। आज कितनी गर्मी है, कल रात बारिश हुई थी, शाम के टाइम हम लोग नीचे नहीं जा पाए थे। आज अभी डेट है May 21, हम लोग नीचे नहीं जा पाए थे। हाँ बेटे। हाँ हाँ बोलो। क्या करूँ इसका, कटोरी लेके आ गई। मम्मी रात बहुत सारी बारिश हुई थी। हाँ बहुत सारी बारिश हुई थी और हम नीचे घूमने नहीं जा पाए थे, इसलिए हम ज्यादा शूट भी नहीं कर पाए थे। ये हमारी बालकनी, ये हमारा, ये मैंने बुनी थी, इसकी जो बुनाई है वो मैंने खुद करी थी, इसीलिए इसके बीच में एक कलाकारी है। मैं कहती हूँ ना मेरे से काम बिगड़ता है, वही है, ये भी एक वही नमूना है। काम मुझ बिगड़ जाते हैं, पता नहीं शायद मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करती इसलिए ऐसा होता है। वैसे मुझे मज़ा आता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है, चलता रहेगा। अच्छा एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। प्रियंका दीदी है ना, मेरी सैलर मुझे कैसे मिली मैं बताती हूँ। वैसे मुझसे पूछा भी था, डेली भूल जाती हूँ, लेकिन मैं प्रियंका दीदी मुझे कैसे मिली। सबसे पहले तो प्रियंका दीदी ना वो देती थी कैश ऑन डिलीवरी, लगभग 5-6 महीने पहले कैश ऑन डिलीवरी देती थी दीदी। तो मैंने उनका नेट से नंबर लिया था, यूट्यूब पे कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ था। कैश ऑन डिलीवरी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, मुझे था कि जानती तो मैं उनको पहले से थी नहीं, कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो कैश ऑन डिलीवरी दे दे और मेरे पैसे वेस्ट ना जाए। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड होगा ही होगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं और आजकल की डेट में इतना फ्रॉड हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने प्रियंका दीदी का नंबर सेव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ और विश्वास नहीं हुआ मतलब नहीं ट्राई, दिल सा नहीं किया। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ट्राई किया, फ्लिपकार्ट से मंगवाया मैंने सबसे पहली बार, ये जो स्टोन और बार वगैरह है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई सबसे पहली बार। फ्लिपकार्ट से मंगवाई, ट्राई किया, मतलब यम्मी, क्यूबिकल बार और बार, रेड स्लेट पेंसिल तो मैंने पहले खाई थी, टेस्ट तो लिया था, लेकिन जो बार की शेप जो होती है ना अंदर वो मैंने ट्राई की तो उसका टेस्ट। फिर मैंने सबसे सस्ता सेलर ढूंढा और फैसला किया कि मैं रिस्क लूँगी क्योंकि मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सैयद साबाद जो हैं उनसे ट्राई किया, उनसे मंगवाया मैंने, उनसे भी ब्रोकन मंगवाया, जो उनके पास सबसे सस्ता था 1 kg ही दिया उन्होंने, मैंने वो मंगवाया। हाँ शायद मैंने पहले वो ही मंगवाया, हाँ शायद नहीं, हाँ पहले मैंने वो ही मंगवाया, वो मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
फिर मैंने प्रियंका दीदी को भी ट्राई किया। प्रियंका दीदी को से मैंने सबसे पहले मंगवाया था ब्रोकन। कैश ऑन डिलीवरी मैंने किसी से नहीं मंगवाया, फ्लिपकार्ट के अलावा कैश ऑन डिलीवरी किसी ने नहीं दी। प्रियंका दीदी से ब्रोकन मंगवाया और प्रियंका दीदी का ब्रोकन जब मैंने खाया, आप लोगों ने भी देखी होंगी वीडियोस, मैं नाइट में भी खा रही हूँ, मैं दिन में भी खा रही हूँ, टेस्ट मतलब उनका जो टेस्ट है, देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी, सब अच्छे हैं, सब बेस्ट हैं, ये किसी के घर पे नहीं बनता, बाहर से ही बन के आता। लेकिन मुझे प्रियंका दीदी का टेस्ट, उनकी क्वालिटी, उनका टॉकिंग वे, उनका अंडरस्टैंडिंग में मेरे टेस्ट को किस तरीके से बेटर समझ रही है, मतलब वाह। फिर मैंने प्रियंका दीदी का नंबर परमानेंट के लिए सेव कर लिया। और फिर तब का दिन है और आज का दिन है, मैं प्रियंका दीदी के अलावा दूसरा सेलर ट्राई नहीं करती, मतलब कभी नहीं करती हूँ, सामान नहीं लेती हूँ किसी से भी। मुझे प्रियंका दीदी का स्टॉक ही अच्छा लगता है, वीडियो बनाने के लिए हमेशा प्रियंका दीदी का स्टॉक मेरे लिए बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसके बाद से फिर मैं प्रियंका दीदी के स्टॉक की फैन हूँ। तब से इतने मुझे कम से कम 10-15 दिन हो गए होंगे उनके सवाल को मैं उठाए घूम रही हूँ और हमेशा भूल जाती हूँ। यार काम का प्रेशर इतना है ना, कुछ दिन बाद ना मैं कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग में कुछ यूनिक करूँ, ब्लॉग लंबे करूँ, कुछ चैलेंज हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ एंटरटेनिंग हो। लेकिन वो तभी होगा जब अभी तो रोबिन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जब हम दोनों आपस में मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि अभी तो हम किसी भी टाइम सो जाते हैं, किसी भी टाइम उठ जाते हैं। मुझे नींद आ रही थी आज दिन में, मैं सो ली, अभी 8 बजे नींद आ रही थी रोबिन सो लिए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बैलेंस हो गाड़ी, अभी बच्चे भी थोड़ा छोटे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कहीं बाहर जाएं, कहीं या फिर अपने घर में कुछ अच्छा। वैसे भी रोबिन को तो ऐसी शैतानियाँ करने में बहुत मज़ा आता है, रोबिन बड़े ज़रूर हो गए हैं लेकिन शैतानियाँ उन्हें बच्चों वाली करने में मज़ा आता है। पता नहीं कैसे आदमी है, आदमी तो बन गए हैं पर उनको सेटिस्फेक्शन बच्चों वाली हरकतों से ही मिलती है। अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं और रोबिन छोटे हैं। अभी टाइम हुआ है नाइट के 1:34, लड्डू सो गए, कनिका सो गए हैं, रोबिन भी सो गए हैं, मैं भी जा रही हूँ बस सोने के लिए, जा रही हूँ बस सोने के लिए। तो आज के लिए शूट करूँगी मैं इतना ही। मैं तेज इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लड्डू अभी अभी सो है और वो लोग उठ ना जाए इसलिए। सो एज ऑलवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर केयर, फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Bye. Take care all. Bye.